वेलकम बैक टू द ELS न्यूज। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली नगर निगम चुनाव 2022 के अपडेट के बारे में। जी हाँ, दिल्ली नगर निगम की 70 सीटों में से किसकी बनेगी सरकार, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस और अन्य। तो आइए बात करते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, दिल्ली नगर निगम चुनाव 2022 की तारीख तय होने के साथ ही राजनीतिक दलों की दरगनी और तैयारी तेज हो चुकी है। वही 4 दिसंबर को निगम की 250 सीटों के लिए चुनाव होना है। तारीखों के ऐलान के साथ ही सभी राजनीतिक दलों के दफ्तरों में हलचल तेज हो चुकी है। वही नेता और कार्यकर्ता टिकट की दावेदारी के लिए पार्टी दफ्तर के चक्कर काट चुके हैं। और पंजाब के विधानसभा चुनाव के बाद ही आम आदमी पार्टी ने MCD चुनाव को मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है। और आम आदमी पार्टी भाजपा और केंद्र सरकार का चुनाव कराने की मंशा को लेकर भी बड़े सवाल खड़े करती रही है। इनमें से सबसे बड़ा मुद्दा कूड़ा और कूड़े के पहाड़ का है। वही दिल्ली के मुख्यमंत्री से लेकर विधायकों को निगम चुनाव के लिए कूड़े के मुद्दे को हथियार बना लिया है। और इसी के साथ ही आपको बता दें, दिल्ली में लगातार भाजपा की आम आदमी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर घेरने की वजह से आम आदमी पार्टी की छवि को नुकसान झेलना पड़ सकता है। और यमुना नदी की सफाई में बसों की कमी, गंदे पानी की समस्या और प्रदूषण के मुद्दे पर किए गए आम आदमी सरकार के वादों को बीजेपी निशाना बना रही है, जिसमें से आम आदमी पार्टी की चिंता बढ़ चुकी है। वहीं गुजरात और हिमाचल प्रदेश चुनाव में आम आदमी के दिग्गज नेताओं का प्रचार करना भी निगम में आम आदमी चुनावी रणनीति को कमजोर बना सकता है। और आपको बता दें, दिल्ली में नगर निगम के पिछले 15 साल में बीजेपी का है। इसके बाद भी आम लोगों के बीच सड़क, नाली और सफाई की समस्या बनी हुई है और आम आदमी पार्टी के लिए यह बड़ा मुद्दा बन चुका है। और दिल्ली के इलाकों में कूड़े को मैनेजमेंट और MCD दफ्तर में तरह तरह के लाइसेंस बनाने के लिए सरकारी दफ्तरों को चक्कर काटना भी एक बड़ी समस्या है। और आम लोगों के बीच बदलाव और बेहतर सुविधा की उम्मीद आम आदमी पार्टी को फायदा पहुंचा सकता है। और इसी के साथ ही आपको बता दें, देश की राजधानी दिल्ली में नगर निगम चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और देश के एक साथ 3 बड़े चुनाव को लेकर तैयारी शुरू की जा चुकी है। पहला गुजरात चुनाव और दूसरा हिमाचल विधानसभा चुनाव और तीसरा दिल्ली में MCD चुनाव। तो इसी के साथ दिल्ली की 17 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल का खुलासा करने से पहले, आपने अभी तक अपने चैनल ELS न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे लाल बटन जैसे क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएगा ताकि हर लेटेस्ट न्यूज अपडेट, ताजा खबर आपको मिलती रहे इसी तरह अपने फोन पर। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही बात करते हैं दिल्ली नगर निगम चुनाव की 17 सीटों में से। सबसे पहले बात करते हैं केंद्रीय दिल्ली की 7 सीटों के बारे में। तो आम आदमी पार्टी खाते में 4 सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में 3 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ पूर्व दिल्ली की 8 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो बीजेपी खाते में 4 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और आम आदमी पार्टी खाते में 4 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ दिल्ली नगर निगम सीटों की 17 में से 15 सीटों की बात हो चुकी है, जिसमें से आम आदमी पार्टी खाते में 8 सीटें जा सकती हैं और बीजेपी खाते में 7 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ नई दिल्ली की 7 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी खाते में 3 सीटें जा सकती है और आम आदमी पार्टी खाते में 4 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ दिल्ली नगर निगम सीटों की 22 सीटों की बात कर ली है, जिसमें से आम आदमी पार्टी खाते में 12 सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में 10 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ उत्तरी दिल्ली की 8 सीटों की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी खाते में 3 सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में 5 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ दिल्ली नगर निगम सीटों की 17 सीटों में से 30 सीटों की बात हो चुकी है, जिसमें से आम आदमी पार्टी खाते में 15 सीटें जा सकती हैं और बीजेपी खाते में भी 15 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ ईशान कोण की 8 नगर निगम सीटों की बात करते हैं तो आम आदमी पार्टी खाते में 3 नगर निगम सीटें जा सकती हैं और बीजेपी खाते में 5 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ दिल्ली नगर निगम सीटों की 17 में से 38 सीटों की बात कर ली है, जिसमें से आम आदमी पार्टी खाते में 18 सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में 20 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ उत्तर पश्चिमी दिल्ली की फिर से 8 सीटों की बात करते हैं तो बीजेपी खाते में 6 नगर निगम सीटें जा सकती है और आम आदमी पार्टी खाते में 2 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ दिल्ली नगर निगम सीटों की 17 सीटों में से 46 सीटों की बात हो चुकी है, जिसमें से आम आदमी पार्टी खाते में 20 सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में 26 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ दक्षिण दिल्ली की फिर से 8 सीटों की बात करते हैं तो आम आदमी पार्टी खाते में 3 सीटें जा सकती हैं और बीजेपी खाते में 5 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती हैं। इसी के साथ दिल्ली की नगर निगम सीटों में से 54 सीटों की बात हो चुकी है, जिसमें से आम आदमी पार्टी खाते में 23 सीटें जा सकती हैं और बीजेपी खाते में 31 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ दक्षिण पश्चिम दिल्ली की 8 सीटों की बात करते हैं तो आम आदमी पार्टी खाते में 5 नगर निगम सीटें जा सकती हैं और बीजेपी खाते में 3 सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ नगर निगम की दिल्ली की 62 नगर निगम सीटों की बात हो चुकी है, जिसमें से आम आदमी पार्टी खाते में 28 सीटें जा सकती है
सकती हैं और बीजेपी खाते में 34 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती हैं। इसी के साथ दक्षिण दिल्ली की 8 नगर निगम सीटों की बात करते हैं तो आम आदमी पार्टी खाते में 6 सीटें जा सकती हैं और बीजेपी खाते में 2 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती हैं। इसी के साथ दिल्ली नगर निगम की 70 में से 70 सीटों की बात हो चुकी है, जिसमें से आम आदमी पार्टी खाते में 34 सीटें जा सकती हैं और बीजेपी खाते में 36 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती हैं। इसी के साथ वीडियो को करते हैं यहीं पर विराम। तो दोस्तों, आपने अभी तक ईएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे लाल बटन जैसे क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएगा ताकि हर लेटेस्ट न्यूज अपडेट आपको मिलती रहे इसी तरह अपने फोन पर। साथ ही आपकी फेवरेट पार्टी कौन सी, इनमें से बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अन्य में से कोई भी, इसका नाम है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। थैंक यू, टिकट गुड बाय, जय भारत, वंदे मातरम, जय किसान।